साइन कुलीवाड़ा के लक्ष्मण निवास से लेकर एफ रोड माटुंगा तक डीएमसी ने पे एंड पार्क का ऑर्डर निजी कॉन्ट्रैक्टर को दिया है, जिसे दुकानदार काफी परेशान है। जिसकी शिकायत लेकर दुकानदार शिवसेना सांसद राहुल शेवाले और शिवसेना अवजड़ बहादुर सेना के महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बल और महाराष्ट्र राज्य सचिव इंद्रपाल सिंह मारवा सत्ती के पास पहुंचे। ऐसा है कि हमने उनको कल तक का इंटीमेशन दिया था, तो इन्होंने पुलिस को इन्वॉल्व करके आज मीटिंग के लिए हमें बुलाया था, तो अभी हम केशव वाले जी को मिले हैं। काफी चर्चा हुई इस विषय के ऊपर और अभी उनका रवैया काफी नरम दिखा है और कोई ना कोई रास्ता निकालने के हैं। उसमें दो तीन रिपोर्टें उनको चाहिए। उन्होंने बोला कि हमारे बंदे जो उनके बीएमसी के हैं वो है, जो स्थानीय पुलिस है उनसे दो तीन रिपोर्टें मंगाएंगे। खासदार से भी उनकी बात हुई है और तब तक के लिए रिलीफ मांगा है जब तक इसका कोई निर्णय नहीं आ जाता है। और बहुत जल्दी जो कमिश्नर है हमारे अजय मेहता साहब, उनसे भी मीटिंग होगी ये सब रिपोर्टें आने के बाद, फिर उसके बाद फैसला करेंगे कि यहाँ पर करना है कि नहीं करना है, तब तक वे रिलीफ देंगे। नहीं, मांगे हमारी मेन तो यही है कि जो वहाँ पर पे एंड पार्क जबरदस्ती लगाया गया है, जहाँ पे नेसेसिटी नहीं है और 3000 लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं और जो बेचारे वहाँ पर रहते हैं लोग, वो अपनी गाड़ियाँ कहाँ लेके जाएंगे। तो उसकी वजह से ठीक है, इनको रेवेन्यू जनरेट करने के लिए इन्होंने अपनी पॉलिसी डिसाइड की हुई है, रेवेन्यू जनरेट करें, पर इस ऐसी जगह पे करें कि जहाँ पर लोगों को तकलीफ ना हो, लोगों का पेट काट के रेवेन्यू जनरेट करेंगे तो वो पब्लिक सहन नहीं करेंगे। कई महीनों की कोशिश और शिकायत का कोई नतीजा ना निकलता देख सभी एफ वार्ड अधिकारी केशव उबाले के पास पहुंचे, जिसके बाद इंद्रजीत सिंह बल और सत्ती ने यह आह्वान किया कि अगर कोई नतीजा इसके बाद भी नहीं निकलता तो आगे जो होगा उसके जिम्मेदार बीएमसी और निजी कॉन्ट्रैक्टर रहेंगे। आज का मोर्चा ऐसा था ना कि जो ये 6 महीने पहले हमने प्रस्ताव दिया था वाले साहब को, उस पर कोई रिप्लाई नहीं आया था। तो बीच में 6 तारीख को हमारे जो मुंबई के सचिव है शुक्ला जी, इनको धमकी आई थी कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, उस विषय में आज हम लोग ने पत्र लिखा था कि 14 तारीख को अगर हम मोर्चा लेंगे यहाँ पे हमारी बात नहीं सुनेगी। उसी विषय पे हमको कल फोन आया था पुलिस स्टेशन से कि जो केशव वाले साहब है वार्ड ऑफिसर, उन्होंने हमको बुलाया चर्चा के लिए। जो हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बल साहब, वो खुद आए थे आज, उनकी चर्चा चली, हम पूरी कमेटी साथ में थे, दुकानदार थे, तो वहाँ चर्चा में यही हुआ। हमारे जो अध्यक्ष है माननीय इंद्रजीत सिंह बल साहब, उन्होंने उनको बोला कि आप कुछ भी कीजिए पर जो गरीब पे पेट पे लात मत मारिए। जो 50 साल से वहाँ धंधा कर रहे हैं लक्ष्मण निवास पार्किंग पे रोड पे, वहाँ पे दुकानें हैं, वहाँ पे ये मजदूर लोग हैं जो काम कर रहे हैं 40-50 साल से, उनको अचानक हटा के एक कॉन्ट्रैक्टर को पेन पार्क दिया गया जो रोज की वहाँ पे 20-25 गाड़ियाँ खड़ी करेगा और वहाँ 2-500 हज़ार रुपये कमा के जाएगा रोज का, महीने का 30,000। और जो ये धंधा कर रहे हैं यहाँ पे, एक एक 2-2 करोड़ की दुकानें हैं 50 साल से और यहाँ पे कम से 2,000 लोग काम कर रहे हैं, मतलब एक आदमी को काम देने के लिए 2,000 लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। उस विषय में चर्चा थी आज, तो उन्होंने एक ही बात बोली, सर ये ऊपर से हमको ऑर्डर आया है। तो फिर हमने भी बोला ठीक है, जो मुंबई कमिश्नर है अजय मेहता साहब, हमने उनसे भी चर्चा करने की कोशिश की है, शायद ये हफ्ते में उनसे भी बात होगी। हम खाली यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप आके सर्वे कीजिए, यहाँ पे जो रोड है लक्ष्मण निवास शुक्ला रोड, वो रोड इतना छोटा है, वहाँ पेन पार्क हो ही नहीं सकता। ऑलरेडी वहाँ पे 2 सिग्नल लगे हुए हैं, रोड डिवाइड में डिवाइडर के बीच में छोटा लगा हुआ है। वहाँ पे जो ये दुकानदार है उनके यहाँ बाहर गाड़ी आती है, पेन पार्क नहीं होती, वो सामान लेती है गाड़ी में लगाते और चले जाते हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो है इसमें, जनता का जो पब्लिक है उसका इन्वॉल्वमेंट है, जैसे कि वहाँ 8-10 सोसाइटी है जहाँ पे पेन पार्क हो रहा है, आजू बाजू में 8-10 सोसाइटी है, सबके लेटर हमारे पास है। उन्होंने भी इसका विरोध किया है कि हमको यहाँ पेन पार्क नहीं चाहिए, क्योंकि हम यहाँ इतने साल से रह रहे हैं और हम अपने घर के बाहर गाड़ी खड़ी करो पैसा दे रहे तो मतलब क्या फिर। तो इसमें जनता का विरोध है, हमारे कार्यकर्ता का विरोध है, दुकानदारों का विरोध है, इसमें 3 लोगों का विरोध है अलग अलग समाज के हिसाब से। तो ये चीज हमारे जो वार्ड ऑफिसर है केशव वाले और बंबई महानगर पालिका को समझनी चाहिए। अगर कहीं एक छोटी सी जगह को लेके इतना बवाल हो जाएगा और अगर ये बात हमारी नहीं मानी गई तो हम लोग निश्चित मोर्चा करने वाले हैं। नहीं, अगर आज हमको ये नहीं बुलाते, हमसे चर्चा नहीं करते, तो 1000 शिव सैनिक 14 तारीख कल यहाँ उतरने वाले थे मैदान में, इन्होंने उसी विषय को देखते हमको बुलाया और चर्चा की। तो हमने एक ही रिक्वेस्ट की उनसे कि सर हमको कोई झगड़ा या कोई मोर्चा या कोई लफड़ा नहीं करना है, हम आपसे एक निवेदन करने आए हैं कि गरीब लोगों के साथ अत्याचार ना हो और जो इंसाफ की बात है वो की जाए। दुकानदार परेशान है कि अगर दुकान के आगे पे एंड पार्क होगा तो उससे उनके धंधे पर और दुकान को नुकसान होगा, अगर ऐसा होता है तो हम रोड पर आ जाएंगे। जिसके विरोध में शिवसेना अवजड़ बहादुर सेना के महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बल, महाराष्ट्र राज्य सचिव इंद्रपाल सिंह मारवा, उप सचिव शाहजी पाटिल, महाराष्ट्र राज्य उपाध्यक्ष नरेंद्र पाटिल सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता बीएमसी एफ ऑफिस के बाहर मौजूद रहे। आज हम लोग उबाले साहब से मिले हैं तो थोड़ा थोड़ा नरम रुख दिखा रहे हैं, थोड़ा बात अच्छी कर रहे हैं हमारे साथ।
अगर ये हमारे साथ चलते हैं, बात मानते हैं, जैसा उन्होंने कहा कि हम लोग अपने स्थानीय पुलिस को या स्थानीय यहाँ के नगर सेवक हैं उनको भेजते हैं, चेक कराते हैं कि भाई पे एंड पार्क होना चाहिए नहीं होना चाहिए, पूरी तरह से चेक करते हैं, तो अच्छी बात। तो उनको सोचना होगा, ये सोच रहे हैं, कर रहे हैं, वैसे जो भी करेंगे अगर कानून के दायरे में जो भी है वो हमको मंजूर है। बाकी यूं ही हम पे कोई कानून ला देंगे तो हम पूरा विरोध करेंगे। शिवसेना हमारे साथ हैं, सत्ती भाई हैं, दूसरे बल साहब हैं, हम पूरी ताकत लगा के इसका विरोध करेंगे अगर हम पे जुल्म किया गया।